नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र इनडेफिनेट कर्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दो तरह से पूछते हैं कि उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं, उदासीनता वक्र की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन सचित्र कीजिए, या फिर उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे तटस्थता वक्रों के बारे में और उदासीनता वक्रों के बारे में। तो तटस्थता वक्र को जानने से पहले हम इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करें। तटस्थता वक्र या इनडिफिनेट कर्व तकनीक का आविष्कार एक अंग्रेजी अर्थशास्त्र एज्वर्थ ने 1881 में अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में उदासीनता वक्रों के बारे में उल्लेख किया, जो कि 1881 में मांग पर प्रतियोगी तथा पूरक वस्तु के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया गया। अमेरिका में 1882 में फिशर्स के द्वारा भी उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया। 1882 अमेरिका में फिशर के द्वारा उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया गया। अब हम बात करें उदासीनता वक्रों की विशेषताओं से पहले, यह तो इसकी भूमिका होगी, उदासीनता वक्र का क्या अर्थ है। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो, या उदासीनता वक्र वह रेखा होती है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। दो कॉमोडिटी होंगी, दो वस्तुएं होंगी, उनके सेवन से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। दूसरे शब्दों में हम बात करें, उदासीनता वक्र वह रेखा होती है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है, दो संयोगों से उपभोक्ता को क्या मिले, समान संतुष्टि। अब चर्चा करें हम परिभाषाओं की। तो परिभाषाओं में जेके इस्मत कहते हैं कि यह वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु मार्ग है जिसमें व्यक्ति उदासीन रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। एडर्सन व क्वार्टन भी ये कहते हैं कि वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को जिसमें उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो और बिंदु पथ से एक उदासीनता वक्र का निर्माण हो। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि उदासीनता वक्र पर स्थित सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो अब हम बात करें इसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर की, कि किस प्रकार से हम सीमांत प्रतिस्थापन दर ज्ञात करेंगे। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर वह दर है जो दूसरी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त होने पर इसलिए त्यागी या कम की जाती है ताकि उपभोक्ता को पहले से ही संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसका MRS बराबर ΔY/ΔX सूत्र होता है जिसके आधार पे हम MRSY ज्ञात करते हैं। अब इसकी उदासीनता हम तालिका की बात करें कि उदासीनता तालिका किस प्रकार से बनती है, तो हम उसी के आधार पे इनकी विशेषताओं को हम आसानी से निकाल लेंगे। तो उदासीनता तालिका,
जैसे मैंने आपको बताया उदासीनता वक्र तालिका, उपभोक्ता या उपभोक्ता द्वारा दो वस्तुओं के संयोग से उपभोक्ताओं क्या मिले, समान संतुष्टि मिले, वो क्या कहलाएगा, उदासीनता वक्र। तो उदासीनता जब हम तालिका का निर्माण करते हैं तो संयोग ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया संयोग ए बी और सी और डी और ई, जो कि संतुष्टि लेवल है। यहाँ पर एक्स वस्तु, यहाँ ले लेते हैं वाई वस्तु। वन टू थ्री फोर फाइव, अक्ष वस्तु में एक वस्तु से 15 समान संतुष्टि का योग बनता है, दूसरे से 8 मान लेते हैं, तीसरे से 5 और 3 2, 3 दूनी 5 हो गए, अब इसकी हम MR मार्जिनल प्रतिस्थापन रेट ज्ञात करें, सीमांत प्रतिस्थापन की दर को, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, MRS डेल्टा मार्जिनल प्रतिस्थापन रेट डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। तो प्रथम की हम चर्चा करें तो यहाँ पर आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये 15 नहीं है 12 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले की प्रतिस्थापन दर कितना परिवर्तन हुआ, पहले में क्या परिवर्तन हुआ दूसरे में, तो पहले में तो कोई परिवर्तन नहीं है, दूसरे में हम बात करें पहले बी पॉइंट की सीमांत प्रतिस्थापन की दर की, तो अंतर हुआ 12 में से -8 और 2 में से 1, तो एक मान लिया जाएगा इसको, तो यहाँ पर हो गए 4:1, तो 4:1, ये बी संयोग की हो गई। सी संयोग की हम चर्चा करें सीमांत प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन की दर को, तो इसमें डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स में हम चर्चा करेंगे, तो 8 में से 5 गए, यहाँ पर आ गए 3 और इधर आ गए 3 में से 2 गए, इधर आ गए 1, तो 3:1। तो इस प्रकार से सीमांत प्रतिस्थापन की दर आप आसानी से निकालते जाएंगे। तो मार्जिनल सीमांत प्रतिस्थापन की दर इस प्रकार से हम आसानी से कैलकुलेट करते कर लेंगे। तो इसी अंक से हम इसी के आधार पे इंडिफिनिट कर्व ज्ञात करें तो आसानी से आप कर सकते हैं, अक्ष वस्तु यहाँ पर वाई वस्तु। 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, एक वस्तु से 12 के बराबर, दूसरे से 8, तीसरे से 5, 3 और 2, तो ये अपना IC कर्व आ गया, इनडेफिनेट कर्व आ गया। तो उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो इनडेफिनेट कर्व ये अपने विभिन्न प्रकार के संयोग आ गए संतुष्टि लेवल को। तो इसी के आधार पे हम आसानी से उदासीनता वक्र की परिभाषाओं या उनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। उदासीनता वक्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ उदासीनता इंडेफिनिट कर्व। अपना इंडेफिनिट कर्व है इस प्रकार से, उदासीनता वक्र इस प्रकार से बना था, एक्स वस्तु वाई वस्तु वाई ओ एक्स, इसी के आधार पे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो विशेषता है, ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है, पहला हो गया ऊंचा उदासीनता वक्र, जो ऊंचा उदासीनता वक्र है वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को
बताता है। किस प्रकार से ये आ गया, जो कि अधिकतम संतुष्टि, जितना अधिक ऊंचा होगा वो ऊंचे अधिकतम संतुष्टि को ये दर्शाता है, स्थिर बताता है। तो इस प्रकार उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। अब दूसरे हम बात करें, इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, क्योंकि ये संतुष्टि लेवल को दर्शाते हैं। जब एक दूसरे को काटेंगे तो संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, तो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। उदासीनता वक्र एक दूसरे वक्र को नहीं काटते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम हो जाएगा, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ये आपका डायग्राम, क्योंकि ये संतुष्टि लेवल को दर्शाता, तो समानांतर हो सकते हैं, एक दूसरे को काट नहीं सकते। और एक उदासीनता वक्र अपने अक्ष को कभी नहीं छूते हैं। तो उदासीनता वक्र तीसरी विशेषता बन जाएगी, उदासीनता वक्र एक अक्ष से या अक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष को नहीं छूते हैं। किस प्रकार, ये वाई ओ अक्ष अक्षांश है, इसके यहाँ पर, ये यहाँ पर इनके नहीं छुएंगे, क्योंकि ऐसे संतुष्टि मिले, क्योंकि अधिकतम संतुष्टि लेवल पर आ सकता है, परंतु अक्ष को नहीं छुएंगे। नहीं छूने का कारण यह है क्योंकि वहाँ पर संतुष्टि क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए नहीं छुएंगे। एक उदासीनता वक्रों का समानांतर या समानांतर होना आवश्यक भी नहीं है, ये भी इसकी विशेषताएँ हैं। चौथी विशेषता है उदासीनता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर ही हो। एक उदासीनता वक्र सदैव ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, यह भी है इसकी विशेषताओं में। उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, क्योंकि संतुष्टि लेवल को दर्शाते हैं, तो ऊपर से अप टू डाउनवर्ड की ओर ये सर्किल बनाते हैं, तो ऊपर से दाईं ओर झुकता हुआ होता है। एक उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के उत्तल होते हैं। छठी विशेषता है मूल बिंदु के क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। जैसे ये मूल बिंदु है इसका, तो इसके ये उत्तल होंगे, तो उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के उत्तल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये संतुष्टि लेवल को दर्शाते हैं। इसलिए एक पूरक वस्तुओं का उदासीनता वक्र एल आकार का होता है। जो पूरक वस्तुएं होती हैं, जो एक साथ काम में ली जाती हैं, वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। पूरक वस्तुओं का उदासीनता वक्र एल आकार का होता है, तो ये भी एक इसकी विशेषता है। इस प्रकार से बन सकता है एल आकार का। एक उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है, उदासीनता वक्र गोलाकार हो सकता है, तो ये भी इनकी विशेषताओं में सम्मिलित है। तो इस प्रकार हमने आज उदासीनता वक्र के विभिन्न विशेषताओं के बारे में चर्चा की, कि उदासीनता वक्र की कौन कौन सी मूलभूत विशेषताएं हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। तो उदासीनता वक्र और प्रतिस्थापन दर के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें प्रतिस्थापन दर में मैंने आपको बताया कि प्रतिस्थापन सीमांत दर उदासीनता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी माना जाता है, जो कि उदासीनता वक्र में वही कार्य करता है जो मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर, कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर एक विनिमय अनुपात है जो अपने को यह बताती है कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हो तो एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तुओं को किस दर से छोड़ने या लेने के लिए तैयार होता है, जिसे उसकी कुल संतुष्टि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। इस वो सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है, जो कि इसका सूत्र है एम आर एस एक्स वाई बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। तो सीमांत
उदासीनता वक्र को विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, द ऑल पॉइंट ऑन एंड डिफरेंस कर्व है रिफ्लेक्ट इक्वल इक्विलिटी यील्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमोडिटीज। दूसरी मैंने आपको बताया एक हायर डिफरेंस कर्व है टू द राइट ऑफ एनोदर रिप्रेजेंट्स ए हायर लेवल सेटिस्फिकेशन एंड परफेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स। एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे की दाई ओर होता है एंड इनडिफरेंट कर्व है स्लोप डाउनवर्ड टू दी राइट। तो इस प्रकार उदासीनता वक्र की फोर विशेषताओं में उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर या उत्तल होते हैं, इनडेफिनेट कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, एक उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इनडेफिनेट कर्व नेवर इंट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे क्योंकि समान कुल उपयोगिता को दर्शाते हैं, एक उदासीनता वक्र कभी भी अपने एक्स को स्पर्श नहीं कर सकते, एन इंडेफिनेट कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सन्स, एक इंडेफिनेट कर्व है यह आवश्यक नहीं उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर हो, इंडेफिनेट कर्व आर नॉट नेसेसरी पैरेलल टू ईच अदर। तो इस प्रकार से हम उदासीनता वक्रों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी था, इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते हैं। उदासीनता वक्र की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन सचित्र व्याख्या कीजिए। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बजट रेखा क्या है और एक उदासीनता वक्र में की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।